हम बीती कहानी है, भले ही आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन मेरे साथ क्योंकि भैया मैं डेली लेट नाइट 11 बजे मैं ड्यूटी से आता हूँ, और हमारी एक आदत है कि आने के बाद मैं 2-3 घंटा फ़ोन से बात करता हूँ। तकरीबन 3 या 4 बजे तक मैं बात करता हूँ। मैं इसी तरह एक दिन बात कर रहा था तो पीछे से मेरे एक साउंड आई, हालांकि ये एक दिन की बात नहीं, मेरे पीछे से कई दिन ऐसे आवाज आई, लेकिन मैं उसने कुछ खास गौर किया और बात कि जो भी किस चीज़ की आवाज़ है। फिर मैंने चौंक गया और अंदर ही अंदर मुझे डर सा लगने लगा। मैंने जिससे भी बात कर रहा था मैंने उसको कि सुना, पीछे से मेरे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। फिर भी मैं हिम्मत बांध के आगे की तरफ जाके बढ़ा। होते हुए मैं अपने रूम की तरफ बढ़ा, आगे बढ़ा तो सामने मुझे दिखा कि कुछ है, लेकिन जब मैं पहुंचा तो वहाँ कुछ नहीं था। मैं धीरे 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 अपने रूम की तरफ बढ़ा और मैं आस्ते से अपने रूम में प्रवेश कर गया और मैं अपने दरवाजे को बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी और मैं धीरे धीरे से हल्की सी सो गई, मुझे नींद भी नहीं आ रहा। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने सामने देखा लाइटें बंद हो रही है, कभी लाइटें जल रही है। इस तरह से कई बार हुआ, मेरी तो अजीब सी पूरी हो रही थी, मेरी पूरी पैंट समझो गीली हो गई थी इस तरह से। फिर मैं धीरे से आगे बढ़ा, तो मुझे पानी की साउंड आ गई। मैं बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा सर अचानक से शावर की वो खुली हुई शावर है, पूरी पानी एकदम भरा भर के लिए। काफी डर हुआ था, लड़का बन के लड़का बन के सामने कोई था ही नहीं, और मेरा सा था। मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, मेन रोड के पास ले गया, वहाँ से आगे बढ़ के मैंने फिर पानी बंद कर दी, सारी टोटी बंदे हो गई। फिर मैं वापस कमरे के तरफ बढ़ा और जाकर बंद कर दी। फिर मैं जाके रूम, मैं रूम में जाकर तैयार नहीं, सामने देखा कैमरा मेरा चालू कर, फिर कोई भाग नहीं लगा। सामने ऐसा लग रहा था किसी का पाँव कटा हुआ, पाँव झूल रहा। मैं और भी पानी हो गया, रूम में बहुत सारे लोग थे, सब सोए हुए थे। मैं पूरा जगह था, किसी को गूगल से जगह भी नहीं पा रहा। फिर पानी की साउंड आने लगी, मैं दोबारा नहीं जा सका क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ था, कहीं मैं गया भी नहीं जा रहा, काफ़ी डर सा था। मैं रूम में पड़ा रहा।